आज हम गुरुग्राम के कुछ युवाओं से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनसे जानेंगे कि आखिर 7 सालों में जो बीजेपी सरकार हरियाणा में जिस मकसद के लिए आई थी, क्या वो मकसद पूरा हो पाया है। देखिए, देश की 33% जो जनता है उन्होंने बीजेपी को वोट दिया था, हमारा भी अलायंस था और हमने बीजेपी को वोट दिया। लेकिन आज जब भ्रष्टाचार के जो मामले सामने आ रहे हैं, खास करके अगर हम बात करें हरियाणा की, तो एमपी से लेकर के एक निचले स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, वो खुद बीजेपी पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। जो मुख्यमंत्री खुद ईमानदार का सर्टिफिकेट या कहते ना खुद को ईमानदार कह के खुद की ही पीठ थपथपाते हैं, आज उनके पास जवाब नहीं है। तो क्या जो बीजेपी खुद को ईमानदार या भ्रष्टाचार के खिलाफ जो वादे करके या नारे दे करके जो बीजेपी सत्ता में आई थी, आज वही बीजेपी देश के लोगों को किसी न किसी तरीके से लूटने और खसोटने का काम कर रही है। जहां देखिए महंगाई की बात, तो आज देश में महंगाई चरम पे है, पेट्रोल डीजल 100 के पार जा चुका है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो खुद कहते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, लेकिन मोदी सरकार बहुत हो चुका, अब चुप है, अब पेट्रोल डीजल 100 के पार, अब बस करो मोदी सरकार। तो कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार, गुड़गांव के अंदर अगर नगर निगम की बात करें तो वहां अगर हम जरे जरे को देखेंगे तो वहां पूरा भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। कहीं 180 करोड़ का जो घोटाला है वो सामने आया है, कभी भर्ती घोटाला आता है, कभी किसी चीज को लेकर के, सड़कों को लेकर के घोटाला आता है। जब हम देखते हैं कि नगर निगम को जब भी बारिश आती है तो पूरा शहर पानी के अंदर लबालब हो जाता है। गुड़गांव जो एक इंटरनेशनल मापदंडों पे बात की जाती है, जिस शहर के लिए अलग से पैसा इशू किया गया स्मार्ट सिटी के लिए, वो स्मार्ट सिटी जो बारिश का मौसम है उसमें हम देखते हैं वो लबालब हो जाती है। हमने भी बीजेपी को वोट दिया था और ये सोच के दिया था कि बीजेपी कुछ काम करके दिखाएगी, क्योंकि लास्ट टाइम कांग्रेस सरकार में बहुत सारे आरोप थे कांग्रेस के ऊपर कि उनके ऊपर भाई भ्रष्टाचार है, कभी ये घोटाला कभी वो घोटाला। तो हमने बीजेपी को वोट ये सोच के दिया था कि भाई अच्छी साफ सुथरी सरकार है और इसमें कोई गलत काम नहीं होगा। लेकिन अब जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले 6-7 सालों से कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अब बीजेपी में हो रहे हैं, खुद बीजेपी के पुराने नेता उन पर आरोप लगा रहे हैं और वो आरोप सत्य भी है। अगर वो आरोप झूठे हैं तो या तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो और नहीं है तो फिर ये सरकार को जवाब देना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? राकेश। राकेश जी, बीजेपी के कार्यकर्ता अब आरोप लगा रहे हैं, आप लोग गुड़गांव से हो और गुड़गांव में भी कई ऐसे मामले आए हैं, इस सरकार के खिलाफ कई लोग आवाज़ उठा रहे हैं, इस सरकार से कितना संतुष्ट है, कितना खुश हैं आप लोग? देखो, स्टार्टिंग में जो सरकार बनी थी उससे हमने अंदाजा लगाया था कि जिस वादों पे सरकार बनी थी कि इस अपने वादों पर खरा उतरे, लेकिन कहीं भी वो 10% भी असर नहीं दिखाई दे रहा है। और जिस टाइम पे पहली बार सरकार बनी थी उस टाइम पे हमने भी वोट बीजेपी को किया था, लेकिन वो नाकाम रहा हमारा वोट। हमने जिस भरोसे से वोट किए थे वो वोट बिल्कुल वेस्ट गए हमारे। 29 बीजेपी को वोट किया था जी, क्यों? ताकि बीजेपी कुछ अच्छे काम करेगी, इस ये सोच के वोट किया था। अच्छा, अब अच्छा काम की? कुछ कुछ कहे तो अच्छा किया, कुछ माने तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा, कैसे? जैसे हिंदुत्व को लेके कुछ काम सही करे, बाकी महंगाई पेट्रोल वगैरह सब कुछ के दाम बढ़ा दिए गए। सैलरी भी तो बढ़ी है, फिर पेट्रोल के दाम बढ़े तो क्या है, सैलरी तो बढ़ गई। सैलरी किसकी बढ़ी, सैलरी कम होगी, 9,000 कर दिया 8,000 से। 86 रोजगार घट गया।